हेलो गाइस, सभी को नमस्ते। मैं जतिन चौहान और आप देख रहे हैं एजुकर पॉइंट। गाइज, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के डीमोनेटाइजेशन के फैसले को सही ठहराया है। हम बात कर रहे हैं नोटबंदी की। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए वर्ष 2016 में मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है और कहा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण नहीं थी। आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन के एक फैसले के तहत 1000 और 500 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। सरकार के इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर 2 जनवरी 2023 को फैसला आया है। इसमें जस्टिस एस ए नजीर अध्यक्षता वाली एक 5 सदस्यीय बेंच ने इस मुद्दे पर 4.1 बहुमत से फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं की एक बैच पर आया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले को उल्टा नहीं किया जा सकता और कहा कि सरकार द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि रिकॉर्ड जाँच से ऐसा लग रहा है कि 6 महीने की अंतिम अवधि के बीच RBI और केंद्र सरकार के बीच परामर्श हुआ था। इसमें हम देखें तो इस 5 सदस्यीय बेंच में केवल जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने नोटबंदी के फैसले के विरोध में अपना निर्णय सुनाया, लेकिन अन्य 4 जस्टिस ने सरकार के इस निर्णय के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने अपने निर्णय में कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर नोटबंदी करना कहीं अधिक गंभीर मुद्दा है और इसका असर इकोनॉमी और जनता पर पड़ता है। चलिए बात कर लेते हैं कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। तो डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण एक देश में लीगल टेंडर के रूप में एक करेंसी यूनिट के मूल्य को अलग करने के कार्य को संदर्भित करता है। इसके तहत किसी देश में चलन में रही करेंसी नोटों के लीगल टेंडर को रद्द कर दिया जाता है। कभी कभी कोई देश पुरानी मुद्रा को पूरी तरह से नई मुद्रा से बदल देता है। अब बात कर लेते हैं 2016 के डीमोनेटाइजेशन फैक्ट्स के बारे में। डीमोनेटाइजेशन के एक अहम फैसले में सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। पीएम मोदी ने टीवी पर 8:15 पर एक प्रसारण में इस कदम की घोषणा की थी। इन नोटों का अर्थव्यवस्था की नकदी में चलन का 86% हिस्सा था। सरकार ने नागरिकों को बैंक खाते में पुराने नोट जमा कराने के लिए 30 दिसंबर 2016 तक का समय दिया था। सो फ्रेंड्स, यही था 2016 डीमोनेटाइजेशन फैक्ट्स के बारे में सारी बातें। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।